सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का सेटअप जो है आप लोगों को थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, तो उसका रीज़न ये है कि हम आ चुके हैं घर एंड घर आने के बाद हम आज हमारा फर्स्ट डे रहेगा। हम जा रहे हैं वर्कआउट करना, बट आई एम नॉट श्योर आज हम वर्कआउट कर भी पाएंगे या नहीं, बिकॉज जहाँ पे जहाँ पे मैं वर्कआउट करता था घर पे रह के, तो वहाँ पे पहले तो मेरा जो है जो मेरा मेंबरशिप था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, नया मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप के साथ साथ दूसरा इशू ये है कि वहाँ पे अभी तक कभी भी मैंने जो है शूट नहीं किया है, तो आज मैं पहली बार वहाँ पे शूट करने जा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर मुझे शूट करना वो अलाउ करेंगे भी नहीं करेंगे, मे बी मना भी कर सकते हैं शूट करने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जिसकी वजह से जो है हम शूट ना कर पाएँ, बट आई एम नॉट श्योर। अभी जो है मैं घर पे मे बी 1 महीने से ज़्यादा रहने वाला हूँ। आज हम हैं अपनी फिट जर्नी के डे 23 पे। एक्चुअली 1 महीने से ज़्यादा हो गया जब हमने ये फिट जर्नी स्टार्ट की थी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, बट इसमें हम 1 दिन का रेस्ट भी लेते हैं संडे का, और जो है बीच में मे बी फीवर की वजह से और बीच में वर्कआउट भी ड्रॉप हो गया था उस चीज़ की वजह से, और मेरे कुछ वर्कआउट्स डिलीट भी हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उस चीज़ की वजह से जो है हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, बट नो वरीज, रिकवर कर लेंगे। अभी ट्राई करेंगे कि वीडियो कंटिन्यू आए और कोई वर्कआउट भी मिस ना हो। जिम जो है एक्चुअली मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, ये है अराउंड मे बी 2 से 3 किलोमीटर पे है, और भी जिम है जो रास्ते में पड़ते हैं जहाँ पे मैं वॉक इन पे मैं जा सकता हूँ, बट वहाँ पे वैसे शूट वगैरह और मैं वहाँ पे जाता नहीं हूँ, मेरा मेंबरशिप ऑलरेडी है एक जिम में, तो ये थोड़ा मेरे घर से दूर है, मे बी 2-3 किलोमीटर है, तो इसलिए जो है वॉक इन पॉसिबल नहीं होता। तो अभी मे बी जब तक मैं घर पर रहूँगा तो ऐसा ही स्केड्यूल रहेगा। मैं जो है अभी तक आज तक जितने भी मैं वर्कआउट्स करता था, मैं प्रेफर करता था मैं सुबह के 4 बजे वर्कआउट करता था, लेकिन अभी जो है अभी बजे हैं दोपहर के 3, और क्योंकि जिम में जो है वर्कआउट करने के लिए लोग 5 या 6 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आई होप अभी जिम में भीड़ ना हो और 5 बजे तक जो है हम अपना वर्कआउट ख़त्म करें। सो देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, अभी जो है हम वर्कआउट के बाद बात करते हैं या फिर वर्कआउट के बीच में बात करते हैं। अभी जो है हम सीधे चलते हैं जिम एंड मिलते हैं आपसे पहले सेट पे। लेट्स गो। ओके, तो फाइनली हम आ चुके हैं जिम और हमारा वार्म अप हो चुका है डन। मैं करीब आधे घंटे से जिम में घूम रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा है, एवरीवन इज स्टेयरिंग एट मी, रीज़न बीइंग इज यहाँ पे इज़ नॉट वेरी यूजुअल शूट एंड ऑल, बट स्टिल विल ट्राई, देखते हैं कैसा क्या रहेगा। आई एम एक्चुअली प्रीटी नर्वस बट करना पड़ेगा। सो okay, let's start. तो हमारा जो है बैक का वर्कआउट है जैसे आपको मैंने पहले बताया, तो अभी जो है हम पहला सेट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। हमारा वार्म अप सेट रहेगा then maybe 5 sets, 2 वार्म अप, 3 वर्किंग. थोड़ा सा awkward सिचुएशन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है जिम में शूट एंड ऑल का थोड़ा सा जो है कुछ थोड़ा नया है. यूजुअली ऐसे कोई शूट नहीं करता है जिम में, बट मैं कर रहा हूँ. सो लेट्स ट्राई कैसा क्या रहता है. तो हमारा जो है एक और सेट लगाते हैं वार्म अप का, देन हम जाते हैं पहले वर्किंग सेट पे. आज हम 3 एक्सरसाइज लगाएंगे बैक के खाली. तो लेट्स गो. तो अभी हमारा पहला वार्म अप हो चुका है कंप्लीट. पहला वर्किंग सेट थोड़ा सा हेवी आएंगे. सो लेट्स ट्राई. Two more to go. Done. Okay, तो हमारा जो है पुल डाउन हो चुका है. डन. नेक्स्ट जो हम लगाएंगे बेंट ओवर रोज़, जिसमें हम रॉड यूज़ करेंगे. 3 सेट्स, मे बी 4, 1 वार्म अप, 3 वर्किंग. सो लेट्स गो. Okay, done. Okay. तो जो हम लास्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं सिंगल हैंड मशीन रोज, 3 सेट्स. ये हमारे एक्चुअली लास्ट एक्सरसाइज है, बट आई एम नॉट प्रीटी मच सेटिस्फाइड. मतलब मज़ा नहीं आया. आई डोंट नो, वो हम अभी बात करते हैं थोड़ी देर में. पहले हम ये बार एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं, उसके बाद. सो लेट्स गो. ओके. ओके. तो आज का हमारा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म. सो अभी बात करते हैं, अभी निकलते हैं जिम से. लेट्स गो. तो आज का हमारा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट. मैं कंप्लीट नहीं बोलूँगा, आई वुड से कि मतलब जैसे तैसे हो गया. आई वॉज नॉट कम्प्लीटली कम्फर्टेबल. पहली बार मैं I mean, यहाँ पे मैं वर्कआउट करके मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है कि यहाँ पे ज़्यादा यूजुअल नहीं है. सेकंड थिंग इज़ कि म्यूज़िक चल रहा था, बट मैं जो है म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के टाइम म्यूज़िक नहीं होना चाहिए, तो म्यूज़िक बंद करवाना पड़ा. उसकी वजह से किसी ने कुछ भी नहीं कहा. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने म्यूज़िक बंद करवाया तो किसी को बुरा लगा होगा, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि कोई और है वो वर्कआउट करते हुए म्यूज़िक ना ऑन करे या म्यूज़िक बंद करे, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो दैट्स वाई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ आज वर्कआउट में, प्रॉपरली आई मीन मैं सेटिस्फाई भी नहीं हुआ, बट ठीक है, लाइक वर्कआउट ना करने से बेहतर है, थोड़ा सा जितना भी हो सकता है उतना वर्कआउट हो गया, सो आई वुड प्रेफर दैट। बाकी जो है अभी मैंने बात कर ली है, कल से जो है हम थोड़ा टाइमिंग चेंज करके मॉर्निंग में जाएंगे फिर से, मे बी 4-5 बजे, 6-7 जितने बजे भी पॉसिबल होगा, तो तब जो है जिम में ज़्यादा बंदे नहीं रहते हैं, तो तब शायद हमारा वर्कआउट जो है वो प्रॉपर हो जाए, क्योंकि अभी जो है मैं मे बी घर पे 1-2 महीने रुकने वाला हूँ। कुछ दिन रुकता तो शायद मैं स्किप भी कर सकता था, बट मैं वर्कआउट 1-2 महीने स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो उस चीज़ के लिए जो है हमें फ़िलहाल के लिए वर्कआउट जैसे तैसे करना होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बट ट्राई करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ और भी शेयर करना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ, बट मे बी वो कल के वीडियो में। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे स्ट्रॉन्ग।